आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आई गई और वो ऐतिहासिक दिन आई गया जिसे 17 सितंबर 2022 के तौर पर दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश जिसे कि देश का दिल कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपना जन्मदिन मनाने बल्कि इस तारीख को इतिहास में दर्ज करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चारों तरफ चीतों की दहाड़ सुनाई देगी और कहा जा रहा है कि जो चीते हैं, सन 1952 में चीतों की प्रजाति को विलुप्त करार दे दिया गया था और इसे भारतीय एक तौर पर ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इकोसिस्टम को कायम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा कदम है, बड़ी पहल है। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस तारीख का, क्योंकि यही वो तारीख है जब हमारे इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कूनो नेशनल पार्क की शान बढ़ाएंगे नारेबिया से आए हुए साउथ अफ्रीकन ये 8 चीते। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से ये 8 चीते हैं, ये मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर रफ्तार पकड़ेंगे, यानी कि देश के दिल में दौड़ते नजर आएंगे चीते, जो कि अफ्रीकन चीते कहलाएंगे और आने वाले कल में इकोसिस्टम को मजबूत करने का काम भी करेंगे। पर्यटकों को ये लुभाने वाले हैं और सीधे तौर पर कहें तो मध्य प्रदेश की धरती की शान भी बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि देश के दिल में ये जो चीते दौड़ने वाले हैं, हालांकि 1 अक्टूबर से जो है कूनो नेशनल पार्क के दरवाजे आम पर्यटकों के लिए खुलेंगे, लेकिन तब तक जो है इन तमाम चीतों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं होगा, यानी कि वो जो तमाम सैलानी हैं वो इन चीतों का लुत्फ तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन दिसंबर आते आते ये अफ्रीकन चीते आम पर्यटकों की नज़रों के सामने होंगे, यानी कि ये वो ऐतिहासिक क्षण होगा, ये वो ऐतिहासिक पल होगा जब मध्य प्रदेश की धरती पर तमाम पर्यटकों को लुभाने के लिए ये अफ्रीकन चीते जो हैं मध्य प्रदेश में इकोसिस्टम को मजबूत करने का संदेश भी देंगे। आपको बता दें कि 70 सालों बाद जो है ये रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे चीते, जिनमें 5 नर हैं और 3 मादा हैं, जो कि खास तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें 6 फीट ऊँचे पिंजरों से निकालकर जो है कूनो नेशनल पार्क में जो है छोड़ने वाले हैं। आपको बता दें ये पूरा जो कूनो नेशनल पार्क है, इसे जो है पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच में तय कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल वॉल्स के जरिए जो है इस कूनो नेशनल पार्क की सुरक्षा घेरा जो है पुख्ता कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा जो है मेहनत, एक बड़े प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर अमली जामा पहनाया है और 17 सितंबर की तारीख को इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जन्मदिन की तारीख है, यानी कि इस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कदम उठाते हैं, कैसे अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अपने इस जन्मदिन को भी यादगार बना रहे हैं। इसी के साथ साथ वो महिला स्वयं सहायता समूहों से भी संवाद करेंगे, लेकिन कूनो नेशनल पार्क के इस राष्ट्रीय आयोजन पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। आइए आपको लिए चलते हैं ग्राउंड में और ये रिपोर्ट दिखाते हैं और दिखाने समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अद्भुत नज़ारा होगा मध्य प्रदेश की धरती पर जब श्योपुर जिले के इस कूनो नेशनल पार्क में शोभा बढ़ाएंगे 8 अफ्रीकन चीते। कभी देश के जंगलों की शान रहे चीते 70 साल बाद भारत की धरती पर एक बार फिर दहाड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तारीख इतिहास में दर्ज होगी। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में इस ऐतिहासिक क्षण को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी पिंजरों का गेट खोलकर 8 चीतों को कूनो की आबोहवा में नए जीवन के लिए छोड़ेंगे और तय कार्यक्रम के मुताबिक कूनो में 2 नर और 1 मादा चीते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छोड़ेंगे। शनिवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में ठीक 12:05 पर लीवर हैंडल घुमाकर चीते के पिंजरे का गेट खोलेंगे। पिंजरों के गेट स्लाइडिंग होंगे जो लीवर घूमते ही खुल जाएंगे। यहां चीतों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भी होगा जहां अगले कुछ दिनों तक इन्हें विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जाएगा। मंच से 50 फीट की दूरी पर एनक्लोजर में चीतों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बने हैं।
इसके बाद दिसंबर में यह अफ्रीकन चीते पर्यटकों को दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस ऐतिहासिक दिन के लिए श्योपुर जिला और कुनू नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है और तैयार है एमपी की जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज। चलिए तो आप भी हो जाइए तैयार, और यदि आप भी देखना चाहते हैं अफ्रीकन चीतों की देश के दिल की धरती पर रफ्तार, तो पहुंच जाइए कुनू नेशनल पार्क, जहां पर दिसंबर माह से आम पर्यटकों के लिए यहां पर दरवाजे खोल दिए जाएंगे ताकि वो चीतों को देख सकें और उनकी प्रजाति किस तरह से, जो कि विलुप्त घोषित की जा चुकी है, उसे निहार सके। और हमारे ये इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिकों की माने तो हर्बीवोरस कार्निवोरस जानवरों का रहना इस धरती पर उतना ही जरूरी है जितना कि मानव प्रजाति के लिए विकास के साथ अपने कदम ताल को आगे बढ़ाना। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उठाया गया ये कदम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये जो तमाम प्रयास है, ये न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर इंगित होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मानव प्रजाति को भी विलुप्त होती इस जो है चीते की प्रजाति से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारगर जो है कदम माना जा सकता है। एमपी न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको ये खास ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ातरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। और हाँ, एक खुशखबरी ये भी है कि अब आपका अपना एमपी न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो अपनी यहाँ पर जादू बिखेर ही रहा है, अब वो तमाम बड़े एमएसओ के साथ भी जो है अपने विस्तारित कदम बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ आप डिजियाना केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 366 पर एमपी न्यूज़ को देख सकते हैं, वहीं हैथवे के भी चैनल नंबर 867 पर आप अपने एमपी न्यूज़ को देख सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।